हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओजेनेसिस, जो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास ट्वेल्थ का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। ओजेनेसिस जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको भी हम लोग बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे और एकदम लास्ट में जा करके ईजी वे में इसको आसानी से क्या करेंगे, इसको समझेंगे। आइए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ओजेनेसिस को, यानी ओजेनेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले, जैसे हम पिछले लेक्चर में डिफिनेशन से स्टार्ट किए हैं, उसी तरह इस लेक्चर को भी हम किससे स्टार्ट करेंगे, उसके डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, यानी ओजेनेसिस होता क्या है। आइए इस डिफिनेशन को पहले समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। यानी जिसमें हमारा ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो ओजेनेसिस है, इसमें जो फीमेल गैमेट बनता है उसकी पोलाइडी क्या होती है, इसकी भी पोलाइडी क्या होती है। जितने भी जो गैमेट होते हैं उनकी पोलाइडी हमेशा कितनी होती है, एन होती है। यानी इसकी पोलाइडी क्या है, एन है। अब ये जो ओजेनेसिस है, ये जो प्रोसेस है, ये हमेशा स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है और थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ओजेनेसिस जो प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट होता है, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे ही मतलब कोई बेबी, अभी क्या है, फीटल कोई डेवलप हो रही है, यानी कोई फीमेल बेबी है, अभी वो प्रेगनेंसी टाइम पे चल रही है, यानी अभी वो क्या कहते हैं, फीमेल के यूट्रस में भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, उसी टाइम पे ओजेनेसिस क्या हो जाता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो मान के चलिए जो फीमेल है वो क्या है, अभी किसके अंदर है, मदर के अभी यूट्रस के अंदर है। जो फीमेल हो किसके, फीमेल बेबी जो किसके अंदर है, मदर के यूट्रस के अंदर है। तभी उसके अंदर से, जब तक अभी उसका बर्थ नहीं होता हुआ होता है, उसके पहले ये ओजेनेसिस क्या होता है, उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो मान के चलिए जो मदर है, यहाँ पे बेसिक तरीके समझेंगे हम लोग। मदर के अंदर क्या है, फीमेल बेबी है। ये जो फीमेल बेबी है अभी डेवलपमेंट टाइप में है, यानी अभी बर्थ इसका नहीं हुआ, अभी क्या है, उसके यूट्रस के अंदर है। तो मान के चलिए जो फीमेल बेबी है मदर के अंदर है, उसका हम लोगों ने यहाँ पे क्या ड्रा किया है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका ड्रा किया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मदर का ये नहीं है, ये किसका है, फीमेल बेबी का है। जिसको हम लोग इस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमको जो मेनली समझना है उसी को केवल इसे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं। ये हमारा ओवरी है दोनों साइड, ये क्या कहते हैं, फीमरेई है, और ये क्या है, एम्पुला, और ये क्या है, उसका यूट्राइन कैविटी है। किसका है ये, तो फीमेल बेबी का है, जो मदर के अंदर क्या हो रही है, अभी डेवलप हो रही है। उसी टाइम पे इसके अंदर ये जो फॉर्मेशन होता है मैच्योर गैमेट का, उसी टाइम पे क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो मान के चलिए जो फीमेल बेबी है, जो मदर के अंदर है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा कर दिया है, और उसका ये क्या है, ओवरी है। तो उसके ओवरी में क्या होता है, जो फीमेल बेबी है उसके ओवरी में क्या रहेगा, हमारा एक कुछ सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डिवाइड कर क्या बनाएंगे, ये आगे चल करके फर्दर ओवम को बनाएंगे, मैच्योर ओवम को बनाएंगे। तो स्टार्टिंग टाइम में ओवरी के अंदर जो बेबी अभी क्या कहते हैं, फीटल डेवलपमेंट टाइम में, यानी मदर के अंदर है, उसके ओवरी के अंदर दोनों ओवरी के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं इधर साइड में, जिस सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या है, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मोडियल जर्म सेल, प्रीमोडियम जर्म सेल है, जिसकी पोलाइडी क्या होती है, 2N होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी जो बेबी है मदर के अंदर डेवलप हो रही है, उसके ओवरी के अंदर, अभी इसका बर्थ नहीं हुआ है, उसके ओवरी के अंदर क्या है, प्रीमोडियल जर्म सेल है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल की पोलाइडी कितनी होती है, 2N होती है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल अब क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में होता क्या है, एक सेल से दो सेल बनती हैं,
तो यहाँ पे मान लीजिए सेल प्रीमोडियल जर्म सेल है, यहाँ पे बहुत सारे प्रीमोडियल जर्म सेल होंगी जो सारी माइटोसिस करके क्या बनाएंगी, यहाँ पे माइटोसिस करेंगी, तो यहाँ पे सारे सेल्स क्या बनेंगे, इस सेल्स में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यानी अगर यहाँ पे 2n है तो माइटोसिस में एक से दो सेल बनते हैं और यहाँ पे भी 2n रहेगा, पोलाइडी इसकी कांस्टेंट रहेगी, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो माइटोसिस करने के बाद प्रीमोडियल जर्म सेल थी, जो माइटोसिस करने के बाद सेल बनाए, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। ये जो ऊगोनिया सेल है, ये जो ऊगोनिया हम लोग बनाए हैं, ये इसकी संख्या कितनी होती है, यानी नंबर्स कितने होते हैं, तो इसकी नंबर्स उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं, 4 मिलियन, 2 मिलियन इस ओवरी में होंगे और 2 मिलियन इस ओवरी में, और अप्रॉक्सीमेटली दोनों को मिला दिया जाएगा तो 4 मिलियन यहाँ पे ऊगोनिया होंगे। ये ऊगोनिया फर्दर फिर क्या करेंगे, फिर ये माइटोसिस वाला प्रोसेस करेंगे। तो माइटोसिस जब भी होता है तो उसमें होता क्या है, एक सेल से हमारे पास दो सेल बनती हैं, और ये दो सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक सेल से हमारे पास क्या बनती हैं, दो सेल बनती हैं, और दोनों सेल की पोलाइडी क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे अगर 2n है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2n, यहाँ पे भी क्या होगा, 2n। अब ऊगोनिया से माइटोसिस के बाद जो सेल का फॉर्मेशन हुआ, उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऊसाइट। प्रीमोडियल जर्म सेल से माइटोसिस हुआ तो दो सेल्स, कई सारे सेल्स बने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओगोनिया। ओगोनिया कितने कितने होते हैं, इस ओवरी में कितने होंगे, 2 मिलियन, इस ओवरी में कितने होंगे, 2 मिलियन। एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों को मिला दिया जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन यहाँ पे ओगोनिया होंगे। ये ओगोनिया माइटोसिस फिर से करते हैं तो क्या बनाते हैं, फिर से ये संख्या बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। अच्छा, ये जो प्राइमरी ऊसाइट है ये क्या करता है, अब प्राइमरी जो ऊसाइट है, दोनों सेल में से किसी एक सेल को हम आगे फर्दर डिवाइड करके देखेंगे, जो प्राइमरी ऊसाइट है ये क्या करता है, सॉरी यहाँ पे जो प्राइमरी ऊसाइट है, अब ये किस में चला जाएगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा। मियोसिस फर्स्ट अपना स्टार्ट करता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर, जैसे ही स्टार्ट करता है ये जा करके प्रूफेज में क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है। कौन से फेज में अरेस्ट होगा, तो प्रूफेज में। ये सारे फेज सेल साइकिल से क्लियर होता है, तो प्रूफेज में जा करके मियोसिस फर्स्ट करने, जैसे मियोसिस फर्स्ट जो प्राइमरी ऊसाइट स्टार्ट करता है, प्रूफेज में जा करके क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने का मतलब स्टॉप हो जाता है, इसके बाद इसमें कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब यहां तक तो जो टाइम था, यहां तक का जो टाइम हम लोग पढ़े हैं, ये कौन सा टाइम था, तो ये फीटल डेवलपमेंट टाइम था, पीरियड था। ये कौन सा था, फीटल पीरियड, या फेज लिख सकते हैं हम लोग, फेज लिख दे रहे हैं यहां पे। ये जो टाइम चल रहा था अभी तक, फीटल डेवलपमेंट फेज चल रहा था, यानी अभी जो बेबी थी, अभी मदर के अंदर, यानी मदर की यूट्रस के अंदर है, और बेबी के ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यानी यूट्रस, ये जो ओवरी है उसके अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा था। तो ये अभी कौन सा फेज था, फीटल डेवलपमेंट फेज। इसके बाद क्या होगा, ये इस बेबी का क्या होगा, जब डेवलप हो जाएगी तो बर्थ होगा, क्या होगा, बर्थ टाइम। तो यहाँ पे सपोज करिए हम लोग मान लेते हैं कौन सा टाइम उसका है, बर्थ टाइम, बर्थ टाइम, यानी बेबी का क्या हो गया, बर्थ हो चुका है। तो जैसे ही बर्थ होगा तो अभी तक ये क्या है, अब ये सेल्स में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये सेल यहीं पे उसी तरह के उसी तरह है, अभी भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे अरेस्ट है, कौन से फेज में, प्रोफेज में, अभी ये अरेस्ट है, यानी वही वाला केस चल रहा है, यानी मियोसिस फर्स्ट इसमें हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, और क्या है ये, प्रोफेज में अभी अरेस्ट है, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता है। यानी जो बर्थ हो जाती है, बर्थ से लेकर के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड टाइम,
ये कौन सा टाइम है? चाइल्डहुड टाइम। चाइल्डहुड टाइम कब से स्टार्ट होता है? तो बर्थ से लेकर के, हमारा बर्थ से कहाँ तक? अप्रोक्सीमेटली 12 या 13 ईयर्स तक ये चलता है, तो इसको चाइल्डहुड टाइम बोलेंगे। चाइल्डहुड टाइम में ये जो ऊगुनिया है, सॉरी जो प्राइमरी ओसाइट, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये कहाँ पे जाके अरेस्ट हुआ है? तो प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के ये अरेस्ट है। यानी जो चाइल्डहुड टाइम चल रहा था, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता। अब ये चाइल्डहुड टाइम के बाद ये क्या होगा? आगे जाकर के ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा, अब चाइल्डहुड टाइम के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? तो प्यूबर्टी टाइम आएगा। कौन सा टाइम आएगा? प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट होगा, तो प्यूबर्टी में होता क्या है? जो प्राइमरी ओसाइट है, फिर भी अब जा करके ये किसमें चली जाएगी? जैसे ये एंटर करेगा किसमें? प्यूबर्टी के टाइम है। प्यूबर्टी का टाइम कब से स्टार्ट होता है? 12 से लेकर के, मतलब ये डेटा आगे पीछे हो सकता है, तो 14 हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। 14 ईयर को हम लोग प्यूबर्टी टाइम मान सकते हैं। तो 14 ईयर से प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे अभी भी ये जो प्राइमरी ओसाइट था, जिसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, स्टार्ट हुआ है, प्रोफेज या अरेस्ट हुआ है, फिर ये एंटर किया है चाइल्डहुड टाइम में, इसमें भी अभी मियोसिस फर्स्ट चल ही रहा है और अरेस्ट है कहाँ पे? प्रोफेज में। तो यहाँ पे आने के बाद अभी ये प्राइमरी जो ओसाइट है क्या होती है? डिवाइड होकर क्या बना लेगी? यहाँ पे आकर के ये डिवाइड करती है। और डिवीजन कौन सा करती है? तो अनइक्वल डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करती है? अनइक्वल डिवीजन करेगी। यानी यहाँ पे इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, तो अनइक्वल, जिसमें एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। और एक बड़ा सा क्या बनेगा? सेकेंडरी ऊ साइट बनेगा। अच्छा, अब मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है, तो जो पोलाइडी होती है क्या हो जाती है? एन, टू एन से घट करके एन, यानी फुल से क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एन, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एन। यहाँ तक तो प्रोसेस चला ही है। प्राइमरी जो ऊ साइट, सॉरी जो प्राइमरी ऊ साइट था, जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम में एंटर किया है, तो उसके बाद इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ है। अनइक्वल डिवीजन में होने के बाद एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बना है और एक बड़ा सा सेकेंडरी ऊ साइट बना है। ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, ध्यान से देखिए, ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं? ओवम मानते हैं। क्या मानते हैं? ओवम। ये क्या, इसको हम लोग मान सकते हैं? ओवम, ओवम, इसको हम लोग ओवम मान सकते हैं। लेकिन ये ओवम क्या है? अनमैच्योर है, मतलब ये मैच्योर अभी नहीं है। ये जो ओवम है, यानी जो सेकेंडरी ऊ साइट है, अब यहाँ से क्या होता है? ये सारा डेवलपमेंट टाइम जो प्रोसेस हो रहा था, इसके ओवरी के अंदर हो रहा था। तो यहाँ से क्या होता है? ये रिलीज होता है। ये सेकेंडरी ऊ साइट है, क्या होगा यहाँ से? रिलीज, जिसको हम लोग अनमैच्योर ओवम भी बोलते हैं। जैसे ही रिलीज होगा, उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो रिलीज होने को क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूलेशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो रिलीज हो चुका है, इस सेकेंडरी ऊ साइट को हम लोग फर्दर यहाँ पे ला करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब मान के चलिए ये सेकेंडरी ऊ साइट, ये तो हमारा डी जनरेट हो जाएगा। आगे जाकर क्या हो जाएगा? ये डी जनरेट हो जाएगा। ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, यहाँ पे स्पेस नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पे उठा करके ला कर रखते हैं। ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है, क्या हमारा? सेकेंडरी ऊ साइट। सेकेंडरी ऊ साइट का क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? क्या हो जाएगा हमारा आगे चल के? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन में क्या होता है? ये रिलीज होगा। तो रिलीज होगा, तो ओवरी से ये रिलीज हो गया। अब इसको क्या करते हैं? इसको फिम्ब्रिया ही बोलते हैं। इधर फिम्ब्रिया, इधर भी फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया इसको कैच करता है और इस सेकेंडरी ऊ साइट को यहाँ पे ला करके पहुँचा देता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पुला बोलते हैं। इस साइड भी एम्पुला, उस साइड भी एम्पुला, एम्पुला। अब यहाँ पे क्या होगा? मान के यहाँ पे ओव्यूलेशन तो हो गया। ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ गया है? सेकेंडरी ऊ साइट यहाँ पे आ चुका है, यानी एम्पुला के अंदर आ चुका है। अब अगर एम्पुला के अंदर ये आ गया है, तो हो सकता है स्पर्म एंटर करे। अगर स्पर्म एंटर करता है यहाँ से, तो स्पर्म ऐसे होते हुए यहाँ पे हमारा क्या होगा? स्पर्म आएगा। इसको क्या बोले हम लोग? स्पर्म। स्पर्म यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे स्पर्म आता है, जैसे स्पर्म इससे फ्यूज होगा, एक चीज और, यहाँ पे जो सेकेंडरी ऊ साइट था, ओव्यूलेशन तो हो गया, अब यहाँ पे क्या करता है? मियोसिस
सेकेंड स्टार्ट करता है, लेकिन अभी ये अरेस्ट होता है कौन से फेज में जाकर के, यहाँ पे मेटा फेज में क्या होता है, ये अरेस्ट होता है। यानी जो सेकेंडरी ओसाइट थी, जो ओविल्यूशन के बाद रिलीज हुई है ओवरी से, वो क्या करती है, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट कर देती है। मियोसिस सेकेंड क्या करती है, स्टार्ट, लेकिन मेटाफेज में क्या हो जाती है, ये अरेस्ट हो जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है मेटाफेज जाने के बाद। अब जैसे यहाँ पे स्पर्म आएगा, स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आने से, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, जैसे अभी टच में आ रहा है इसके, यानी इसका न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ, जैसे इसके टच में आया है, ये क्या होगा, फिर से दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक छोटा सा फिर क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, और ये क्या बनेगा हमारा, मैच्योर एग बनेगा। अभी यहाँ पे अनमैच्योर था, सेकेंडरी ओसाइट था, मैच्योर नहीं था, और उसके साथ अब यहाँ पे जो स्पर्म कॉन्टेक्ट में आया था वो क्या हो जाएगा, इसके साथ इसका न्यूक्लियस फ्यूज होकर क्या बना लेगा, ये आगे चल के क्या बना लेगा, फर्दर जाइगोट यहाँ पे बना लेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस ओजेनेसिस फिनिश होता है, यानी ओजेनेसिस ऐसे कंप्लीट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जैसे ये सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से रिलीज हुआ था, जिसको हम लोग अनमैच्योर एग बोल लेते हैं, फिम्रियाई से एम्पुला तक पहुँचा था, अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आएगा तो सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी और ना ही मैच्योर एग बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम वॉल है इसके साथ मिल करके, मिक्स होकर के, रिलीज होकर के क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, जिसको मेंसुरल क्या कहते हैं, पीरियड्स टाइम बोलते हैं, जिसमें ब्लड, ये ब्लड के थ्रू ये क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा। तो इस तरह से ओजेनेसिस कंप्लीट होता है। ओजेनेसिस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रीमोडियल जर्म सेल है जो माइटोसिस करता है, माइटोसिस करने के बाद कई सारे सेल्स बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओगोनिया। ओगोनिया कितने में होते हैं, 4 मिलियंस लगभग होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये जो ओगोनिया माइटोसिस फिर करेंगे, फिर ये सेल बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट में चले जाते हैं, और प्रोफेज में जाकर के ये क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। कौन से फेज में जाकर अरेस्ट होंगे, प्रोफेज में। प्रोफेज में जाने के बाद, अरेस्ट होने के बाद, तो अभी तक ये जो डेवलपमेंट टाइम चला था, कौन सा चला था, फीटल डेवलपमेंट फेज चला था, उस टाइम पे ये प्रोसेस इस फीमेल बेबी के अंदर हो रहा था। उसके बाद जैसे इसका बर्थ होगा, बर्थ के टाइम ये जो प्राइमरी ओसाइट थी मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज जाकर अरेस्ट थी, उसी तरह फिर भी क्या होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, प्राइमरी ओसाइट जो है अरेस्ट होगी प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज में जाकर के ये अरेस्ट होगी, यानी मियोसिस फर्स्ट अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चाइल्डहुड टाइम में जो बर्थ से लेकर के 12 से 13 साल का समय होता है, उसमें ये कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद जस्ट इसके बाद क्या आती है, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी को हम लोग 14 ईयर्स को अप्रॉक्सीमेटली मान रहे हैं। आगे पीछे भी हो सकता है, किसी में प्यूबर्टी 12 में स्टार्ट हो सकता है, किसी में 13 में, किसी में 15 में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग एवरेज एक 14 लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद होता क्या है, ये जो प्राइमरी ओसाइट थी एंटर करेगी किस वाले में, प्यूबर्टिक टाइम में। प्यूबर्टिक टाइम में एंटर करने के बाद ये मियोसिस फर्स्ट अपना कंप्लीट करेगी। मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट कर रही है, तो अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, एक छोटा सा सेल बन रहा है और एक बड़ा सा। जो छोटी सी सेल बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ पे इसकी जेनेटिक मटेरियल एन, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगी, एन, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट फर्स्ट हो गया है। मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल हो जाता है वो हाफ, और एक से दो सेल बनती है, तो यहाँ पे इसको सेकेंडरी ओसाइट बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे छोटा क्यों बन रहा है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसको नरिशमेंट चाहिए और इसको डीजनरेट करना, तो यहाँ पे इसको साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत कम होता है, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, और करना क्या, हमको जेनेटिक मटेरियल को हाफ करना है, तो एक से दो सेल बनाना पड़ेगा, बनाना है तो इसको कोई जरूरत है नहीं, तो इसके साइटोप्लाज्म में सारा साइटोप्लाज्म में जो फ्लूड होता है सारा इसमें आ जाता है, जो इसको नरिशमेंट चाहिए। सेकेंडरी ओसाइट था, फिर से किस में चलाता है, ये मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस सेकेंड में जाता है, लेकिन मेटाफेज जाकर के ये अरेस्ट हो जाता है, और जैसे ही मियोसिस सेकेंड में गया ओसाइट, इसको सेकेंडरी ओसाइट बोल रहे हैं, तो ओव्यूलेशन के थ्रू ओवरी से ये रिलीज होता है, और फेमरेस को कैच करके कहाँ पहुँचाती है, एम्पुला में। एम्पुला में अगर इसको हम आ गया, तो ये फ्यूज होकर के उसके जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा, तो मियोसिस सेकेंड अपना कंप्लीट कर लेगा, ये जो अरेस्ट है यहाँ से हट करके क्या कर लेगा, ये कंप्लीट। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, और एक बड़ा सा, जिसको मैच्योर एक बोलेंगे, और छोटे वाले को सेकेंड पोलर बॉडी, ये डिजेनरेट हो जाएगा, और जो सेकेंड पोलर बॉडी मैच्योर एक था, अब इसका एक इसके साथ फ्यूज हुआ था, क्या कहते हैं, स्पर्म के साथ, तो जैसे फ्यूज होता है इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, मैच्योर एक बना लेगा। अगर ये स्पर्म नहीं आया, तो ये क्या करेगा, जो सेकेंडरी ओसाइट थी इंडोमेट्रियम वॉल के साथ कंबाइन होकर के बाहर चली आ जाएगी, वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर चली आएगी। इस तरह से बेसिक वे से हम लोग इसको स्टार्ट किए थे और लास्ट में फिनिश किए हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।